हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं उषा। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आऊँ यहां पे ये रियल ऑडियो का 501 एम्पलीफायर। बेसिकली दोस्तों ये है 500 वॉट का एम्पलीफायर और यहां पे इस पे हम क्या लोड टेस्ट कर रहे हैं और कैसा परफॉर्मेंस है। मैं ये क्यों लेके आऊँ क्योंकि यहाँ पे इसका एक और बड़ा भाई है, वो है 701। उसकी भी मैंने यहाँ पे वीडियो करी थी, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, आप जाके वीडियो भी वो भी देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद देखिएगा। बाकी यहाँ पे इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग, बाकी डिटेल्स और इंटेल पार्ट की क्वालिटी, आप देखते हैं एम्पलीफायर भी जो है वो खुला हुआ है, तो सारी डिटेल्स हम जानेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एम्पलीफायर की बॉक्स पैकिंग किस टाइप से करी गई है, थोड़ी सी डिटेल्स में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल ऑडियो की ब्रांडिंग है, उसके जस्ट नीचे अगर आपको देखने को मिलेगा तो इसका मॉडल नंबर मेंशन करा गया है, RXB501 बूस्टर एम्पलीफायर। बाकी यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स दे रखे हैं, साइड पर वही डिटेल्स हैं। तो अभी हम कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। स्ट्रिप्स के साथ में है, ये आप देख सकते हैं ये दो लगी रहती है, इधर वाली जो है वो टूट गई है, और वहाँ पे जो है वो स्ट्रिप्स पे भी आपको रियल ऑडियो जो है वो मेंशन रहेगा। चलिए मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ओपन करते ही यहाँ पे आपको ये थर्माकोल की पैकिंग मिलेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ये आपको कार्ड मिलेगा, ये बेसिकली कुछ इस टाइप का वारंटी कार्ड है जो भी आपको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर देगा। इसमें क्या कवर होता है वो आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा, और साथ ही सीजनली अब जैसे कोई भी आपका फेस्टिवल होता है तो ये हमेशा आपको हर फेस्टिवल पे अलग अलग ये आपको पोस्टर्स देखने को मिलेंगे। तो डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हो या फिर आम कस्टमर क्यों ना हो, वो भी इसे यूज़ में ले सकता है। फिलहाल मैं हमारा जो कि मेन यूनिट है वो है ये एम्पलीफायर, मैं इसको अभी निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं फ्रंट की डिटेल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे अगेन आपको रियल ऑडियो मॉडल नंबर RXB501 मेंशन करा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑक्स हो जाता है, ये एक माइक हो जाता है। 500 वाट के एम्पलीफायर में आपको इस टाइप के जो कि एम्पलीफायर अभी रियल ऑडियो ने कुछ नया बनाया था। इससे पहले जो कि मैंने आपको मॉडल दिखाया था वो 701 था, यानी इसका बड़ा भाई था। फिलहाल में इसमें आपको ऑक्स प्लस यहाँ पे एक माइक्रोफोन। अब कई बार ये हो क्या जाता है कि बूस्टर में आपको माइक्रोफोन तो मिलता नहीं है, वो सिर्फ बूस्टर में ही काम आता है, लेकिन कंपनी ने इस बात का भी ध्यान दिया है कि आपको एक माइक हो जाए इफ़ एनी केस एमरजेंसी में आपने यूज़ करना है, या फिर ऐसे कार्यक्रम में जहाँ पे एक माइक का यूज़ होना है, पावर भी मिल रहा है और सारे कंट्रोल्स भी मिल रहे हैं, तो ये इस टाइप का एम्पलीफायर होने वाला है। यहाँ पे आपको बेस, मिड, ट्रेबल के तीनों नोब्स मिल जाते हैं, मास्टर का सेपरेट दिया गया है। ये लेवल इंडिकेटर्स हो जाते हैं, ओवरलोड, एम्पलीफायर ऑन, फॉल्ट और पावर ऑन का ये इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। नीचे जो है वो ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन हो जाता है एम्पलीफायर का इस साइज में, यानी इसको इस साइज में रखा गया है कि आप इसको फ्लैट केस में भी डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये हैंडल्स हो जाते हैं, रफ एंड टफ चीज है। ऊपर जो कोटिंग करी गई है पेंट की वो अलग है, पाउडर कोटेड टाइप की जो है वो कोटिंग करी गई है, और साथ ही साथ ये साइड में जो है वो हैंडल्स भी ये दिए जाते हैं उठाने के लिए। चलिए बैक साइड में आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं एम्पलीफायर का बैक साइड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एसी फ्यूज आपको दिया गया है। ये रीसेट का एक बटन है, जब भी ये ओवरलोड या फिर रीसेट के लिए आपको ये बटन मांगेगा तो यहाँ से आपने ये प्रेस करना रहेगा। बाकी यहाँ पे ये पावर कॉर्ड हो जाती है, ये दोस्तों इंडियन सॉकेट 6 एम्पे वाला जो है वो प्लग दिया गया है, इजिली आप इसको यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऑक्स मिल जाता है, ऑक्स के साथ में नीचे आप देख सकते हैं ये प्री आउट मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिग्नल इनपुट्स मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास XLR भी है और TS भी है, तो दोनों आप यूज में ले सकते हैं और दोनों में से किसी में भी से भी आप आउटपुट भी ले सकते हैं ऑल भी एम्पलीफायर को पैच करने के लिए। बाकी इसके नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पीकर्स कनेक्ट करने के लिए। ये सॉकेट्स, ये बेसिकली वायर लगाने वाले सॉकेट्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास कॉमन 2 और 4 दोनों मिल जाते हैं आपको, तो इजिली आप 4 स्पीकर या 2 स्पीकर का यूज में ले सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी उसके नीचे वाली जो कि स्ट्रिप्स है दोस्तों, ये रेड वाली, ये कॉमन 70 और 100 वोल्ट के लिए होते हैं। ये बेसिकली ड्राइवर यूनिट जो आपके होते हैं LMT वाले, वो इसमें यूज में लिए जा सकते हैं। आप एक टाइम पे एक चीज यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। बाकी ये वेंटिलेशन हो जाते हैं आपको इस सिल्वर से, ये चमकती हुई जो देख रहे हैं अंदर, ये बेसिकली हीट सिंक है यहाँ पे इस एम्पलीफायर की। बाकी मैं आपको अंदर की जो है वो क्वालिटी भी अभी दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंटरनल पार्ट की क्वालिटी, तो यहाँ पे अभी इंटरनल पार्ट की क्वालिटी देख सकते हैं,
अभी आपको दो चीजें बहुत हाईलाइट हो रही है, ये दो ट्रांसफॉर्मर, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये है दोस्तों मेन यानी इनपुट वाला ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये वाला जो कि हो जाता है ये दोस्तों आउटपुट वाला ट्रांसफॉर्मर हो जाता है। इस पे आपको देख सकते हैं मेंशन रहेगा कि कितने ओम्स पे कौन सी वाली वायर जो है वो कहाँ रहेगी, तो ये सारी कनेक्शन यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। बाकी ये पावर सप्लाई के ये कैपेसिटर्स हो जाते हैं। वैल्यूज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज़ हो जाती हैं, देख सकते हैं 10,000 UF 100 वोल्ट के अंदर इसके अंदर यूज़ कर गए हैं, 2 कैपेसिटर्स का इसके अंदर यूज़ पे लिया गया है। ओवरऑल ये हो जाता है इसके पावर सप्लाई पूरी, यहीं पे अगर देख सकते हैं इसकी ये रिले हो जाती है और यहाँ पे इसका ये फ्रंट बोर्ड हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये फ्रंट बोर्ड है, और इसके नीचे भी यहाँ पे जो कि पीसीबी है विद इसके जो कि नोब्स हैं कंट्रोल्स नोब्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था कि यहाँ पे इसमें हीट सिंक जो है वो दी गई है, साथ ही साथ इसके अंदर एक फ़ैन का भी यूज़ करा गया, तो साइड में जो है वो यहाँ पे फैंस का भी इसके नीचे ये देख सकते हैं ये फ़ैन है, तो बेसिकली इसके नीचे लगे हुआ है पूरा मटेरियल जो भी है इसका, पूरा कोर पावर एम्पलीफायर का पावर पूरा का पूरा जो कि दिल कह सकते हैं आप वो उसके नीचे लगा हुआ है। बाकी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट की क्वालिटी हो जाती है। फिनिश की अगर मैं बात करूँ तो अगेन आप देख सकते हैं कि वायर की जो फिनिशिंग है उससे ही मालूम चल जाता है कि एम्पलीफायर कैसा परफॉर्मेंस करेगा, या फिर कंपनी ने जो है वो एम्पलीफायर को कैसे बनाया वो इसकी फिनिशिंग ही इसको बता देती है। बाकी यहाँ पे आप दोस्तों ये है टोटल के टोटल इंटरनल पार्ट की क्वालिटी हमारे इसी एम्पलीफायर की। चलिए बाकी डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लेगी आपको इसकी अनबॉक्सिंग और फ्रंट बैक, और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको इंटरनल पार्ट की क्वालिटी दिखाया, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों अभी मैं बात कर लेता हूँ हमारे इस एम्पलीफायर के कुछ और डिटेल्स, कुछ और फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे इस एम्पलीफायर को लेके मैं नया नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ में दोस्तों एक जो कि इसका बड़ा भाई यानी इससे एक ऊपर मॉडल आता है वो आता है 701, वो 700 वाट का एम्पलीफायर है, ये 501 है, तो दोस्तों ये 500 वाट का एम्पलीफायर है। और यहाँ पे इस एम्पलीफायर को R&D यानी पूरा कंप्लीट हो जाने से पहले भी मैं टेस्ट कर रहा था, जब ये प्रिंटेड नहीं था, ये सारा फ्रंट नहीं था रेडी, तब मैं इसको भी टेस्ट कर रहा था, क्योंकि हमारे पास कुछ सैंपल पीस भी आए हुए थे इसको टेस्टिंग के लिए, और काफ़ी लोगों के पास भी ये पहुँचा था सैंपल्स पीस जो कि टेस्ट था, उनका भी जो भी मेरे को फीडबैक पर्सनली मिला वो काफ़ी अच्छा था। इसी वजह से मेरे को ये 701 और 501 काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, प्राइसिंग से भी और यहाँ पे क्वालिटी वाइज भी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 500 वाट तो इसकी वो पावर है ही है, आपको आउटपुट मिल जाती है, आप इस पर लोड कितना डाल सकते हैं यानी क्या चीज़ें जो है वो आप चला सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ड्राइवर यूनिट्स हैं, आपके LMT हॉर्न यूनिट्स हैं, अगर आप इस टाइप के एम्पलीफायर ढूंढ रहे थे कि रफ एंड टफ है और परफॉर्मेंस वाइज भी आपको अच्छा दे दे, आप लंबी लेंथ यहाँ पे बिछाते हैं तो आप 501 जो है वो मॉडल ले सकते हैं, 701 भी जो है वो मॉडल आता है, थोड़ा सा और हैवी अगर आप जाना चाहते हैं। दूसरा रहता है स्पीकर दोस्तों, तो दूसरे में आपको स्पीकर का जो कि है यहाँ पे आपके पास 200 से 250 वाट जो कि डबल 12 के जो कि आपके टॉप आते हैं वो आप इस पे इजिली चला पाएंगे, दो टॉप इजिली चलाइए विद HF के साथ में, डबल 12 के दो टॉप आप इस पे इजिली चला सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपके पास ऑक्स का ऑप्शन हो जाता है, तो मिक्सर की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट प्लग इन प्ले वाला काम है। अगर आपको मिक्सर भी यूज़ करना है यानी मान के चलिए कि एम्पलीफायर से आपने इसको पैच करा तो वहाँ पे तो आप डायरेक्ट मोबाइल से चला नहीं रहे, वो मिक्सर से आउटपुट है, तो यहाँ पे आपके पास ये सिग्नल जो कि मैंने आपको ये दिखाया था ना XLR और यहाँ पे TS, तो ये दोनों आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आप किसी से भी इनपुट कर सकते हैं या फिर आउटपुट भी ले सकते हैं। बाकी इसके अंदर सेपरेट आपको यहाँ पे मिड हाई लो के जो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ईजिली रहने वाला है ऑपरेटिंग। बाकी यहाँ पे बात करते हैं टेस्टिंग लोड क्या डाल रहा हूँ वो, चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ किस टाइप से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, और टेस्टिंग देखिए अब। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है हमारा ये एम्पलीफायर। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कनेक्शन की, तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन कॉमन 2 ओम्स पे दे रखा है, टॉप मैंने यहाँ पे 2 डाले हुए हैं इस पे हमेशा से जो टॉप में डालता हूँ, और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे मिक्सर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप मिक्सर यूज कर रहे हैं तो सिग्नल का यूज करना है आपने, ये वाला यूज करना है, और अगर आप डायरेक्ट ऑक्स से चला रहे हैं जैसे कि ऑक्स है ये सीधा गया है मेरे PC पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये PC पे गया हुआ है, ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ ऑक्स पे कनेक्ट करना है। अब आप प्री आउट भी ले सकते हो, प्री आउट में क्या है कि आगे का जो आपका आउटपुट होगा वो भी कंट्रोल हो जाएगा इससे ही, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी सारी डिटेल्स मैं आप सभी को दे चुका हूँ, और फ्रंट की अगर डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे स्पीकर बॉक्स का जो स्विच है दोस्तों वो आपने ये देख लेना है कि आपके स्पीकर बॉक्स पर है, ये ड्राइवर यूनिट है सिर्फ हॉर्न चलाने के लिए,
एक टाइम पे एक ही यूज करना है। माइक का भी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, बाकी ये मॉडल नंबर सब कुछ आप देख चुके होंगे और ये कुछ यहाँ पे सेटिंग्स हैं, अभी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा कुछ इस प्रकार से। देखिए मैं भी बंद करता हूँ, तो अब भी मैं चालू करता हूँ उसको, तो ये एक दो सेकंड का टाइम लेगा रिले चेक होने के लिए, तो ये जैसे ही होगा वो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर फॉल्ट होता है कुछ भी ऐसे एम्पलीफायर पे, तो ये आपको सामने ही शो बता देगा, यानी बता देगा आपको कि आपका एम्पलीफायर में कुछ फॉल्ट हुआ है, या फिर अगर ओवरलोड भी जा रहा होगा तो ये भी बता देगा। बाकी हम यहाँ पे ओवरलोड लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे कितने पे जाके होता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा ओवरलोड पे भी ये ओवरलोड लाइट जलेगी, बाकी तो अभी टेस्टिंग आप देखिएगा आगे। चलिए बाकी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी टेस्टिंग। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाथ में है माइक्रोफोन, चलिए मैं आपको माइक्रोफोन की टेस्ट करा देता हूँ। और यहाँ पे ये विजलिंग भी कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने इस पे सेटिंग भी करी थी इसके साथ में, जो कि ट्रेबल आप देख सकते हैं मैंने कितना कितना काटा हुआ है। स्पीकर सामने जस्ट मेरे लगे हैं, बिल्कुल एक मीटर की दूरी है, कोई ज्यादा दूर नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैंने इसको लगा रखा है, तो आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं या फिर वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। तो ये है इसकी माइक्रोफोन की जो कि इनपुट क्वालिटी, मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। तो दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको काफ़ी अच्छा एक लोड डाल के भी इस पर चेक कराया कि ये कैसा परफॉर्मेंस करता है। अगेन मैं कह रहा हूँ इस एम्पलीफायर के साथ में मैं नया नहीं हूँ और काफ़ी एक्सपीरियंस कराया मैंने इस एम्पलीफायर को, उसके बाद मैं आपके साथ में ये वीडियो जो है वो शेयर कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर दोस्तों बात रहती है इसके और भी जानकारी, तो दोस्तों जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोच समझ के डिज़ाइन करा है, हैंडल्स आपको इसके अंदर दिए गए हैं, माइक का भी ऑप्शन है इसके अंदर, इसके हिसाब से डिज़ाइन करा गया। अगर आप फ्लैट केस भी इसका बनाते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बाकी मुझे जहाँ तक है पीए जो कि एम्पलीफायर्स होते हैं इंडियन मेड, वहाँ पे ये रफ एंड टफ कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो कि चैसी होती है, बॉडी होती है, वो अगेन काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है।
और बाकी दोस्तों यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस आप देख चुके हैं, तो आप अपने लोड के हिसाब से अगर आप हॉर्न्स यूज करना चाहते हैं इसके साथ में, लंबी लंबी लेंथ बिछाते हैं आप, तो आप इसको ले सकते हैं, या फिर अगर आप HF ड्राइवर के बॉक्सेज हैं तो इसमें यूज़ में आ जाता है। स्पीकर्स आपको चलाने हैं नॉर्मली अगर घर का पर्पज़ भी है इसका, तो ये काफ़ी सारी फीचर्स के साथ में आता है। हाँ दोस्तों यहाँ पर बाकी इसकी प्राइजिंग और कहाँ से अवेलेबिलिटी रहेगा तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ, यहाँ पर भी आपको शो हो रहा होगा। प्राइसिंग भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। आज के प्राइस में आपको मेंशन कर रहा हूँ, प्राइस अगर चेंज होता है तो डिस्क्रिप्शन में प्राइस भी अपडेट होता रहेगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा ज़्यादा, चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।